एक बार बिहार के हाजीपुर में सरे शाम करोड़ से ऊपर का सोना लूट लिया गया। घटना हाजीपुर नगर थाना क्षेत्र के अनवरपुर चौक के पास की है। आभूषण दुकान आदित्य ज्वेलर से 1 करोड़ रुपए से अधिक का सोना और 7 से 8 लाख रुपए नगद लूट कर लुटेरे फरार हो गए। अपराधी इतने पर भी नहीं माने, उन्होंने दुकानदार का मोबाइल, पर्स, सीसीटीवी का डीवीआर तो लूटा ही, दुकान में मौजूद ग्राहकों के मोबाइल फोन और पर्स तक लूट लिए। घटना की जानकारी मिलते ही आनंद फानंद में वैशाली एसपी मनीष, एसडीपीओ राघव दयाल और नगर थाना के थाना अध्यक्ष समेत काफी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचे। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। इधर दुकानदार का कहना है कि पिस्टल देखकर हम क्या विरोध करें, सीने में गोली खाकर जान देने से अच्छा है कि लूटपाट करने दिया जाए, इसी कारण हम लोग शोर नहीं कर सके। स्वर्ण व्यवसायी संघ ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी ली। अब पुलिस आसपास के सीसीटीवी और दुकानदारों से पूछताछ कर पूरे मामले की जाँच में जुट गई है। हालांकि अपराधी पुलिस की पकड़ से बाहर है। आपको बता दें कि अनवरपुर चौक इलाके से ही कुछ समय पहले देश का सबसे बड़ा सोना लूट कांड मुथूट फाइनेंस से हुआ था, और तो और उसके ठीक पहले पास के ही सुरभि ज्वेलर्स को भी इसी तरह लुटेरों ने अपना निशाना बनाया था। हालांकि मुथूट फाइनेंस मामले में कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, काफी मात्रा में सोना भी बरामद किया गया। बावजूद इसके लुटेरों पर पुलिस प्रशासन का शायद कोई खास असर नहीं पड़ा। शायद यही वजह है कि एक बार फिर अनवरपुर चौक के पास भीड़भाड़ वाले इलाके इस तरह से लूट की घटना सामने आई है। मैंने मास्क बोला उतारने को, तीनों लोग मास्क पहने हुए थे। जैसे मैंने मास्क उतारने को कहा, उन्होंने पिस्टल निकाल दिया सामने। बाकी का 2 लोग पीछे से आए और क्रमवश सब लोग अंदर, 1-2 लोग एक गेट पे थे, एक सामने खड़ा था और एक अंदर जो था वो लूटपाट वही मचा रहा था। सारा सामान वामान बोल कर समेट लिया। कितने का अमाउंट कुछ अंदाज बताइए, कितने का लूट? अंदाजा अभी हम लोग नहीं कैलकुलेट कर पाते, वो हमको अपना हमारा परचेज बिल वगैरह देखना पड़ेगा। करीब 6:30 बजे के आसपास का घटना बता रहे हैं। आदित्य ज्वेलर्स करके दुकान है अनवरपुर चौक हाजीपुर में। तो 3 अपराधकर्मी के बारे में बता रहे हैं, हथियार के साथ अंदर आता है, इन लोगों को हथियार के बल पर कब्जा में ले लेता है। एक दुकानदार के भाई और एक सेल्समैन दुकान में रहते हैं। उसके बाद से इनके दुकान में जो शोकेस में लगाया गया था गहना जेवर, कुछ हीरा का भी था और सोना का गहना जेवर, और उनके सेफ से कुछ कैश लेकर गया है। और टोटल वजन का तो इन लोग जोड़ रहे हैं, जोड़ करके बताएंगे। जैसा कि हम लोग बोल रहे हैं, जोड़ कर क्लियर बताते हैं तो करीब 7-8 लाख रुपया नगद बता रहे हैं, और गहना जो भी हो गया अभी जोड़कर बताएंगे। उसके बाद अपराधकर्मी अभी तो जोड़कर बता रहे हैं, अभी तो क्लियर कर नहीं रहे। और अपराधकर्मी करीब 15 मिनट आसपास में रहे हैं दुकान में। उसके बाद ज्वेलरी लेकर के एक प्लास्टिक के थैला में पश्चिम की ओर निकल गए। सीसीटीवी कैमरा का डीवीआर लेकर चला गया।